हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लासिक्स एनसीईआरटी का नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बाकी चैप्टर वन जो हमारा है नंबर सिस्टम वो ख़त्म हो चुका है, तो जिन लोगों को चैप्टर वन पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग चलेंगे चैप्टर टू, होल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, हमारे नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब आते हैं, नया टॉपिक हमारा है सक्सेसर। करेक्ट। अब सक्सेसर क्या होते हैं? किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम 1 ऐड करके जो उसका अगला नंबर लाते हैं, मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो जस्ट उसके बाद वाला नंबर आएगा, वही हमारा जो उस नेचुरल नंबर का सक्सेसर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 16 है, इस नंबर का हमको सक्सेसर बताना है। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे कि 16+1 इज इक्वल टू 17, ये क्या हो गया? 16 का सक्सेसर हो गया। करेक्ट, आगे हमारा हो गया 27, इसका सक्सेसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, 27 में हम 1 ऐड करेंगे, ये हमारा हो गया 28, यही हमारा 27 का सक्सेसर हो जाएगा। करेक्ट। अब अगर हम सक्सेसर के डेफिनेशन की बात करें, करेक्ट, इट मीन्स कि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करके जो उसका अगला नंबर है वो पाते हैं तो वही उस नेचुरल नंबर का सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन वी ऐड 1 इन एनी नेचुरल नंबर। करेक्ट, एनी नेचुरल नंबर एंड गेट नेक्स्ट नंबर दैट इज सक्सेसर। करेक्ट, तो ये हमारा सक्सेसर का डेफिनेशन हो गया। अब और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा 180 है, इसका हमको सक्सेसर बताना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे 181, तो ये 180 का सक्सेसर हो जाएगा, 181। करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं प्रीडेसेसर। अगर सक्सेसर की हम बात करें तो किसी भी नंबर में हम 1 ऐड करके उसका सक्सेसर पाते हैं, मीन्स कि 1 ऐड करके हम उसका सक्सेसर बता सकते हैं। प्रीडेसेसर में क्या होता है कि हमको 1 को माइनस करना होता है, किसी भी नेचुरल नंबर से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो वो उसका प्रीडेसेसर हो जाएगा। जैसे 81 है, इससे हम 1 को माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, 81 का प्रीडेसेसर हो जाएगा। करेक्ट, तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जा रही है, व्हेन वी सबस्ट्रैक 1 इन एनी नेचुरल नंबर, करेक्ट, एंड गेट प्रीवियस नंबर दैट इज प्रीडेसेसर। करेक्ट, मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो वो उस नेचुरल नंबर का जो आंसर आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, प्रीडेसेसर हो जाएगा। जैसे 176 है, इसका हमको प्रीडेसेसर बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे, इट मींस ये हो जाएगा हमारा 175। तो 176 का प्रीडेसेसर मतलब 175। ठीक है, अब बात कर ले अगर हिंदी की, जो सक्सेसर हमारा होता है वो क्या होता है, पूर्ववर्ती। करेक्ट, पूर्ववर्ती मतलब उत्तरवर्ती। ठीक है, ये होता है हमारा
उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, ठीक है। और जो प्रीडिसेसर होता है ये हमारा पूर्ववर्ती होता है, पूर्ववर्ती मतलब पहले का नंबर, करेक्ट। तो ये हमारे सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब अगर हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, होल नंबर, ठीक है। तो अगर हम होल नंबर की बात कर लें, होल नंबर, करेक्ट, तो हमको पता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 का प्रीडिसेसर 1 हो जाएगा, मींस कि 2 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इट मींस कि 2 का प्रीडिसेसर 1 है। अगर हम 2 के सक्सेसर की बात कर लें तो 2 + 1 = 3, 3 इसका सक्सेसर हो जाएगा। बट अगर हम 1 के प्रीडिसेसर की बात करें, 1 के अगर हम प्रीडिसेसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 - 1, मींस कि किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो उसका प्रीडिसेसर होता है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे इट मींस ये 0 बचेगा, ठीक है। तो अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में हम 1 का जो प्रीडिसेसर है उसको लिख कर, 1 का अगर हम प्रीडिसेसर लिखते हैं तो 0, करेक्ट। और अगर हम 1 का प्रीडिसेसर लिख कर 1, 0, 1 का प्रीडिसेसर हो गया, अगर 0 के सक्सेसर की बात करें तो हम 1 हो जाएगा, ठीक है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो यही जो हमारा ग्रुप बनेगा, यही जो हमारा कलेक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। होल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, करेक्ट। तो होल नंबर क्या होगा कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं उसमें हम 1 के प्रीडिसेसर को शामिल कर लें, अगर 1 के प्रीडिसेसर को भी ऐड कर लें तो जो वो ग्रुप बनेगा, जो कलेक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम होल नंबर के डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द नेचुरल नंबर अलोंग विद 0, अलोंग विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, करेक्ट। इट मीन्स कि नेचुरल नंबर जो है वो अगर हम 0 के साथ में रख दें तो वो कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लो, जो भी रेज कर दिए उसको पॉज करके वीडियो को, या फिर बैकवर्ड जाके उसको नोट डाउन कर लो। हम चलते हैं आगे, टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोगों के सामने एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर। कहने का मतलब कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हम लोगों को पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये सभी नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो गए। अगर हम होल नंबर की बात कर लें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन होल नंबर इनफाइनाइट तक। तो ये तो इतने हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर। तो अगर हम नेचुरल नंबर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अगर हम होल नंबर की बात करें, 0 को छोड़ दो तो 1 से लेके अगर हम बात करें तो सभी जो हमारे नेचुरल नंबर ही हैं भाई, नेचुरल नंबर में ये सारे आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें कि हाँ एस हो जाएगा, सभी जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, आर ऑल होल नंबर
ऑल्सो नेचुरल नंबर। करेक्ट, क्वेश्चन कह रहा कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो अगर हम इसी की बात कर लें तो ये हमारे होल नंबर हो गए और ये ग्रुप हमारा ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया। करेक्ट, तो अगर हम देखें तो जो हमारे होल नंबर है उसमें ज़ीरो नेचुरल नंबर से एक्स्ट्रा है। इट मीन्स कि हमारे जो सभी भाई यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो ये तो हमारे नेचुरल नंबर होंगे बट ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा कि क्या सभी जो नेचुरल क्या सभी जो होल नंबर है वो नेचुरल होंगे, तो नहीं, क्योंकि ज़ीरो हमारा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। करेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा नो। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सक्सेसर पढ़ लिया। सक्सेसर मीन्स कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर हैं उनमें अगर हम वन ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो उसका सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, फिर पढ़े प्रेडेससर। प्रेडेससर में क्या होगा कि किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम वन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वन माइनस कर देते हैं, तो जो भी रिजल्ट आता है वो उस होल नंबर नेचुरल नंबर का प्रेडेससर होता है। करेक्ट, अब उसके बाद हम लोग आ गए होल नंबर पे। तो होल नंबर कौन से होते हैं कि अगर हम जो नेचुरल नंबर हैं उसका जो सब वन है सबसे छोटा नेचुरल नंबर उसका प्रेडेसेसर भी लिखते हैं और तो उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारा नेचुरल नंबर वन सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, उसमें हम क्या करें कि वन का प्रेडेसेसर लिखते हैं, मीन्स ज़ीरो लिखते हैं, और अब जो कलेक्शन बनेगा वो होल नंबर का कलेक्शन बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नंबर लाइन। होल नंबर, ठीक है, नंबर लाइन हमको बनाना है होल नंबर के बेस पे। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया नंबर लाइन। करेक्ट, ये ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव। अब ज़ीरो क्यों रहे यहाँ पे रखें, क्योंकि जो हमारा होल नंबर वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अब अगर हम इसके आगे चले जाएं तो ये हमारा नंबर नेगेटिव में हो जाएंगे, जो इंटीजर चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इधर जब आगे पढ़ेंगे तो ये हमारा पीछे जब जाएंगे तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा, आगे जब जाएंगे तो ये नंबर बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक। करेक्ट, तो ये हमारे क्या हो गए, नंबर लाइन हो गया, जिसपे हम नंबर्स को शो कर दिए हैं। ठीक है, जो इनके बीच में गैप हो रहा है जीरो से लेके वन तक गए, तो जो गैप आया वन से लेके टू तक जो गए, इनको क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। करेक्ट, तो कहने का मतलब कि अगर हम नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करते हैं तो जितने भी हमारे नंबर हैं उनके बीच में जो यूनिट डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। इट मींस कि ज़ीरो से लेके वन तक जो गैप होगा वही वन से लेके टू तक होगा, टू से लेके थ्री तक, थ्री से फोर और फोर से फाइव, मींस कि ये सभी गैप जो है इनके बीच में वो इक्वल होगा, डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब बात आती है एडिशन ऑन नंबर लाइन। करेक्ट, हमारा जो एडिशन करना है वो क्या करना है, 4 प्लस 5। ठीक है, इसको ऐड करना है। अगर हम कैलकुलेशन में देखें तो ये 4 प्लस 5 हमारा 9 हो गया। ठीक है, नंबर लाइन बना लेते हैं। इट मींस हमने ये देख लिया कि हमारा जो नंबर होगा नंबर लाइन पे जो नंबर डिनोट करने हैं वो 9 तक करने हैं। ठीक है, व 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। करेक्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको 4 में 5 को ऐड करना है। ठीक है, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पहुँचे, इधर जा रहे हैं, एरो इस तरफ लगा देंगे, 1 ऐड हो गया भाई, 4 से 5 पहुँचे, 1 ऐड हो गया। ठीक है, 5 से हम 6 पे गए, फिर एरो ऐसे लगा दिया, क्यों, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं। तो अब 4 से 5 पे 1 ऐड हो गया, 5 से 6 पे 2 ऐड हो गए। ठीक है, अब अगर हम 6 से 7 पे जाते हैं तो 3 ऐड हो गए, 7 से हम 8 पे गए
तो 4 ऐड हो गए, और 8 से हम 9 पे गए तो 5 ऐड हो गए, करेक्ट। तो ये हमारा नंबर लाइन पे एडिशन हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 5 = 9, ठीक है। तो 4 से हमने ऐड करना स्टार्ट किया और 9 पे पहुंच गए, ये एडिशन ऑन नंबर लाइन हो गया, करेक्ट। अगर हम एक तरह से और एक नंबर और ऐड करके देखते हैं, ठीक है, हमको अब की बार ऐड करना है 3 + 2 = 5, करेक्ट। हम नंबर लाइन बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 3 में 2 ऐड करना है, इट मीन्स कि हमको 3 से स्टार्ट करना है। अब 2 ऐड करना, हमको पता है कि जो यूनिट डिस्टेंस होगा इनके बीच में वो इक्वल होना चाहिए, इट मीन्स कि अगर हम बात करें 3 से 1 स्टेप आगे बढ़े तो हमारा 4 पे पहुंच गया, करेक्ट। अब और उसके बाद 4 से 1 स्टेप आगे बढ़े तो 5 पे पहुंच गया, हमको ऐड कितना करना 2 ही, तो एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, इट मीन्स कि हमारा 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, करेक्ट। तो ये हमारा एडिशन ऑन नंबर लाइन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने नंबर लाइन पे एडिशन पढ़ लिया कि नंबर लाइन पे हम लोग ऐड कैसे करते हैं। अब की बार पढ़ना हम लोगों को ऐड सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। हमको सब्सट्रैक्ट क्या करना है, 9 - 6, करेक्ट। तो हम नंबर डिनोट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है। अब की बार हम लोगों को क्या सब्सट्रैक्ट करना है, इट मीन्स कि हमको इस तरफ आना है, मीन्स कि अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अगर हम 9 से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3, करेक्ट। 9 से आते हैं, पहले एक स्टेप आगे आए, 1 माइनस हो गया। अब की बार हमको एरो का साइन इस तरफ लगाना क्योंकि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद 8 से 7 2 माइनस हो गया, 7 से 6 3 माइनस हो गया, ठीक है। 6 से 5 आ गए हम लोग तो 4 माइनस हो गया, ठीक है। 4 से हम वो 5 से 4 पे आ गए तो 5 माइनस हो गया, और 4 से 3 पे आ गए तो 6 माइनस हो गया, इट मीन्स कि अब काउंट कर लेते हैं, एक स्टेप हमारा यहाँ आया, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, इट मीन्स कि हमारा 3 आ गया। तो आंसर हमारा 9 - 6 कितना हो गया, 3, ये सब्सट्रैक्शन हो गया नंबर लाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोगों को देखना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन, करेक्ट। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, करेक्ट। अब हम लोगों को क्या करना है, ये नंबर लाइन दिया गया, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है आपकी बार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 × 3 मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो कितना आएगा, 6, इसमें इट मीन्स कि हमको 2 के पेयर बनाने हैं, 6 तक जाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से 2 पे गए, करेक्ट। फिर उसके बाद 2 फिर से आगे बढ़ना है, इट मीन्स कि हमको 2 के
जो स्टेप हैं वो 3 बार लेने हैं, 3 टाइम्स लेने हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा 0 से 2 तक हो गया, सेकेंड स्टेप अगर हम 2 लेंगे तो हमारा 2 से 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक स्टेप 2 स्टेप लेते हैं जो हमारा 4 से 6 पहुँच गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारा 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, यही आंसर हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया एडिशन ऑन नंबर लाइन, सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन और मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को देखिए, कंटेंट अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।